भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें इसे हर हाल में जीतना चाहती हैं और दोनों ही टीमें इसके लिए अभी भी प्रबल दावेदार हैं। ये मुकाबला अपने अंतिम दिन तक पहुंच चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि चौथे दिन के अंतिम ओवर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का खून खौल उठा। इंग्लैंड ये मुकाबला जीतने के लिए हर हाल में बेईमानी करने लगा, एम्पायर भी उनका साथ देने लगे और ये देखकर कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का गुस्सा फूट गया। उसके बाद उन्होंने बाहर बैठे ही जमकर लताड़ लगाई है इंग्लैंड क्रिकेट टीम और एम्पायरिंग को लेकर, जिसे देखकर या सुनकर हर कोई हैरान है आखिर क्यों उसके बाद मैच को ही रोक दिया गया। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। खैर, हम आपको बताना चाहेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मैदान के बाहर बैठे एम्पायरिंग और इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर लताड़ क्यों लगाई, सवाल क्यों उठाए, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं अब ये खेल किस रुख की तरफ जा रहा है। अजिंक्य रहाणे के 61 रन और चेतेश्वर पुजारा के 45 रन की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन 6 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबलों में अपनी उम्मीदों को बचाए रखा है। भारत ने 154 रन की बढ़त भी बना ली है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा क्रीज पर टिके हुए हैं। खैर, मैदान के बाहर तो विराट कोहली का गुस्सा दिखाई दिया, इंग्लैंड को लताड़ लगाई, एम्पायरिंग पर सवाल खड़े किए, रोहित भी उनके साथ थे, लेकिन मैदान के अंदर भी एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान किया। भले ही विराट कोहली कप्तानी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जब तक क्रीज पर रहे तब तक उन्होंने फैंस का मनोरंजन किया, यहाँ तक कि वो जेम्स एंडरसन पर भी भड़कते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कोहली तेज गेंदबाज एंडरसन को पिच के बीच आने को लेकर फटकार लगाते नजर आए। दरअसल गेंदबाजी करने के क्रम में एंडरसन का पाव पिच की तरफ जा रहा था, ऐसे में कोहली ने फटकार लगाते हुए कहा, ये पिच है न कि आपका बैकयार्ड जो आप इस पर दौड़ रहे हैं। मैच के चौथे दिन जब अंतिम ओवर में ईशांत शर्मा और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तभी कुछ ऐसा हो गया जिससे विराट कोहली गुस्सा हो गए। लॉर्ड्स की बालकनी से भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक इशारा किया और उसके बाद एक गेंद फेंकने के बाद ही स्टंप कर दिया गया दिन। दरअसल कोहली और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा दोनों ने बालकनी से पंत को इशारा करते हुए कहा, वो कैसे खेल रहे हैं, उन्हें एम्पायर के पास खेलने की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि दोनों खराब रोशनी के बावजूद बल्लेबाजी कर रहे हैं। दरअसल उस वक्त बादल बहुत ज्यादा आ गए थे और टेस्ट में ये होता है कि खराब रोशनी होती है, खेल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इशारा किया ऋषभ पंत की तरफ कि खराब रोशनी के बावजूद वो क्यों खेल रहे हैं, उन्हें एम्पायर से बात करनी चाहिए और उनके इशारे के बाद एम्पायर से बात की गई और उसके बाद 8 ओवर शेष रहते ही दिन को स्टंप कर दिया गया। खैर, विराट कोहली और रोहित शर्मा की समझदारी ने मैच को वहीं खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।